मैम, ग्रेजुएशन आपका नया गाना आया है जिसमें आपने प्रवास और दर्जी योजना के साथ काम किया है, तो आपको उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस क्या था? वेल, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी जो ये गाना मुझे मिला. सही बोलो तो मैं रिसेंटली सोच रही थी ये कि अगर मुझे गाना नहीं मिलता और ये गाना कोई और कोरियोग्राफ करता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन रियली वेरी डिसअपॉइंटेड और शायद मैं रो देती. सो आई थिंक दिस सॉन्ग वॉज मेड फॉर मी बिकॉज मी बींग अ पंजाबी एंड मैरिड टू अ साउथ इंडियन, आई थिंक आई एम द परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू शूट दिस सॉन्ग. मैं बोलती हूँ ये गाना तो मुझे ही करना चाहिए, मेरे पास ही आया. Well, I was very good in dancing from my school days, from my college days. I used to win a lot of awards for my school and college. तो उस ज़माने में बोलते थे कि if you're good in dancing, you should get into acting. और कोई second option होता नहीं था. There was no choreographer those days. The only choreographer we knew was Saroj Khan. और उसके बाद अगर कोई famous हुआ that was Farah Khan. तो when I was very young, that time my brother told me कि मुझे एक acting का offer आया and he told me, you know, you're good into dancing, you're not good into acting. तो तुम वो वाला क्यों नहीं पकड़ती हो जिसमें you know which is your forte, which I also understood what he said and then I got into choreography. क्योंकि dance तो मतलब आप मुझे ऐसे कोई गाना चला देते थे and I used to just create steps on spot. So I did not know that this is known as choreography. Term choreography पता नहीं था हमको क्या होता है. So I think मेरा जो force था, जो मेरा strength था, my brother showed it to me. That's how I just came into this. और मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी आपका जो गाना आया है मेरा anthem, तो वहाँ पे आपने प्रवास के साथ भी काम किया, दिलजीत के साथ भी काम किया, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा फास्ट लर्निंग कौन? ओह गॉड, टफ क्वेश्चन. दिलजीत के लिए बहुत इजी था बिकॉज दिलजीत ने गाना गाया हुआ है एंड दिलजीत इज़ अ परफॉर्मर. प्रभास इज़ एन एक्टर. सो फ़र्क होता है क्योंकि एक तो दिलजीत ने गाना गाया है, वो स्टेज पे जाके यू नो परफॉर्म करता है गाने, तो इट वॉज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू फॉर हिम. तो प्रभास इट वॉज़ न्यू क्योंकि वो एक तो पंजाबी गाने के अंदर है, यू नो सो गाना आधा तमिल आधा पंजाबी, आधा मलयालम आधा पंजाबी, आधा हिंदी आधा पंजाबी, आधा तेलुगु आधा पंजाबी, बिकॉज इट्स पैन इंडिया. सो फॉर प्रभास इट वॉज ऑब्वियसली टफ, बट आई ट्राइड नॉट टू मेक हिम अनकम्फर्टेबल कि वो इसमें जेल हो जाए. तो दैट्स व्हाट वी वर्क्ड ऑन. तो सबसे पहले तो जब गाना आया मेरे पास आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट इज़ दिलजीत दोसांझ एंड आई हर्ड द ऑडियो ऑन इट लाइक इमिडिएटली किक्ड ऑफ एंड व्हाट कैन आई डू न्यू इन दिस सॉन्ग. क्योंकि बहुत सारे प्रमोशनल गाने आ रहे हैं, द बेस्ट कोरियोग्राफर्स आर डूइंग फैबुलस सॉन्ग, सब कुछ हो रहा है, तो इसका यूएसपी क्या है, इस गाने का यूएसपी क्या बन सकता है. सो द फर्स्ट थॉट विच केम इनटू माय माइंड वाज सीइंग प्रभास एज अ सरदार, बिकॉज लुंगी डांस वी हैव ऑलरेडी सीन शाहरुख खान डूइंग लुंगी डांस, यू नो टू गेट अ कल्मिनेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ टुगेदर. तो एंड ऑल्सो तेलुगु इंडस्ट्री इज नॉट नोन फॉर लुंगी लुंगी, इट्स मोर तमिल स्टाइल. तो आई थॉट कि अगर थोड़ा हटके करना है, थोड़ा अलग करना है, सो लेट्स पुट प्रभास एज अ सरदार. एंड मुझे दिलजीत का एक लुक बहुत पसंद है जो कोचरा में उसने परफॉर्म किया था. सो आई कन्विंस्ड प्रभास कि लेट्स डू दिस एंड यू विल लुक लाइक अ गॉड ऑन स्टेज. आई टोल्ड हिम एंड ही सेज आई एम नॉट श्योर एंड आई सेड यू विल डू इट बिकॉज इट्स इन यू नो वी कॉल हिम डार्लिंग देयर, एवरीबॉडी वी कॉल हिम डार्लिंग एंड इज रियली अ डार्लिंग. तो आई सेड यू हैव फेथ इन मी एंड वी डू इट. सो ही एग्रीड. He just so beautiful, you know, then I had my dancers flown down from Mumbai, pura crew mera Bombay se wahan par pahuncha, costumes ban ban ke raat raat ko aa rahe the, you know, the everybody wanted a different look. Set to humne Kashi ke set pe kiya and then I wanted the buji car, you know, I wanted Diljit to stand on the buji car and sing aur Prabhas ko sirf baith ke, I said you just give me swag in the car and but
द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट ऑफ द सॉन्ग वॉज कि जब हमने पूरा गाना सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया और अभी सिर्फ सरदार वाला पोर्शन था, तो मैंने दोनों को भेज दिया चेंज एंड कम बैक. वी वर वेटिंग एंड प्रभास एंट्री हुआ सेट पे. जब प्रभास एंट्री हुआ तो आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट सॉन्ग कि मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर देखा. आई थिंक उलाला वाज द लास्ट एंड आफ्टर दैट दिस वाज बिकॉज एवरी स्पॉट बॉय, एवरी प्रोडक्शन गाय, एवरी कॉस्ट्यूमर फ्रॉम द कोरियोग्राफर टू द प्रोडक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, वी ऑल स्क्रीम्ड. क्योंकि प्रभास जो ग्लासेस पहन के जो सेट पे आया है, आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज बिकॉज व्हेन आई सॉ प्रभास एंड दिलजीत टुगेदर, आई सेड ओ माय गॉड, इज दिस रियली हैपनिंग. बिकॉज दैट वाज फर्स्ट इमेज व्हिच केम इन माय माइंड एंड आई हैड टू कन्विंस एवरीबडी, राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू एवरीबडी, कि लेट्स डू दिस. एंड व्हेन एवरीबडी एग्रीड एंड दिस वाज हैपनिंग, देन आई सेड मैं वैसे सेट्स पे फोटो नहीं लेती हूँ, बट आई वांट अ पिक्चर विद बोथ ऑफ यू बिकॉज आई थिंक दिस इज अ हिस्ट्री व्हिच इज मेड. बट वाइल वी हैड बोथ ऑफ देम वर्कशॉप जो था, ट्रस्ट मी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ऐसा गाना शूट कर रही हूँ और मैं काउंटिंग भूल गई हूँ. हम काउंटिंग नहीं देते, हम चीखे मार रहे थे. द होल सेट वॉज स्क्रीमिंग वेन दे बोथ वॉक. आई थिंक दैट इज द मैजिक विच ऑल्सो केम आउट इन द सॉन्ग वेर पीपल वेर फ्रीकिंग आउट वेन दे सॉ प्रभास एंड दिलजीत टुगेदर. वर्किंग स्टाइल ऑफ माइंड फॉर विद्या बालन, विद्या इज लाइक अच्छा, सी दैट्स अ सीक्रेट बिटवीन मी एंड विद्या. क्योंकि मैं उसके लकी मैस्कॉट कोरियोग्राफर हूँ और वो जो गाने मेरे साथ करती है वो गाना हिट होता. सो आई थिंक शी नोज इट वेरी वेल एंड आई नो इट वेरी वेल. आई थिंक एज आई ऑल्सो हैव बीन अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर टू हर. आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हर ऑन भूलभुलैया. उलाला में तो हमने बहुत मस्ती में यू नो किया. शी हैड फेथ इन मी बिकॉज द काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स आई ब्रॉट इट आउट. आई सेड वी विल वेयर दिस 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 इन स्पाइट ऑफ यू नो व्हेन शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल she said okay and she did it because she had the trust in me. But yes, I think I was very harsh on Vidya at many times, but jab gana aa jata hai na aur jab gana hit ho jata hai na, to I think everybody forgives you. Yeah, and I'm sure, I mean, but Vidya had tears in her eyes, you know, she had swollen knees, swollen pair, but I told her ki ye gana chale na chale iska mazak nahi hona chahiye. It should go as a normal gana chalega, theek hai, बट मजाक नहीं होना चाहिए. उस तरह का एफर्ट हमने उस गाने में डाला, उस तरह के डांटे मैंने उसको लगाई हैं. बट इट वॉज़ वेरी नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो आई हियर हर, आई हर्ड सम ऑफ हर इंटरव्यूज वेयर शी टेल्स दैट पोनी वर्मा मेड मी डू दैट एंड यू नो आई मैसेज हर दैट. आई रिमेंबर कि मैंने उसको कभी इतने डांटे हैं, बट शी स्टिल रिमेंबर्स इट. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर. बट होपफुली एक ट्रिपल मैजिक करेंगे साथ में मैं और रुपया. वेल बी एक्सेप्टेड. आईव वर्क फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ और पहले के टाइम पर यह ऑनलाइन नहीं था, यू नो कि आपको इंस्टेंट नहीं पता चलता था किसको आपका काम पसंद नहीं आया. अब आपको मुझसे खुन्नस भी नहीं होगी ना, आपको किसी और से खुन्नस है. आपको मुझ पर निकालना है तो आप मेरे पेज पर आके लिख दोगे. सो आई थिंक वी शुड नॉट माइंड एंड मैटर. आप सबको तो खुश नहीं कर सकते हैं, है ना. तो मतलब यू शुड जस्ट आई थिंक ऑनेस्टी टू योर वर्क. जब आपको पता है कि आपने आपका 100% आपके काम में डाला है, अब ये काम दिखेगा तो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत, और नहीं दिखे तो मतलब आपकी किस्मत नहीं थी, आपने मेहनत की बट नहीं हुआ. सो आई थिंक यू शुड जस्ट लेट इट गो और लाइफ को इतना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए. वेल आई एम डूइंग टू फिल्म्स, तेलुगु फिल्म्स एज ऑफ नाउ. सो नेक्स्ट मंथ आई बी शूटिंग दैट फिल्म विद सिद्धू जोनाल गड्डा. एक ही इज़ द एक्टर ऑफ डीजे तेलुगु. इट्स अ वेरी नाइस फिल्म बीन डायरेक्टेड बाय बोमरेलु भास्कर. ये बहुत सारे फेमस तेलुगु डायरेक्टर्स हैं. ये सब सुनना ज़रूरी है क्योंकि भी हम कल्मिनेशन हो गए हैं, अब हम नॉर्थ साउथ इज़ वन. सो या आई एम डूइंग दिस टू फिल्म्स राइट. थैंक यू.